गाइस कैसे आप सभी, आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं गई हूँ अपने ननिहाल, दो तीन दिन हो गए हैं, मतलब मैं ननिहाल में बासी सुना दूँ, मेरी अम्मा की डेथ हुई थी तो आज पूरा एक साल हो गया है डेथ को, तो घर में सभी आए हुए हैं और फिर हमारे घर में काफ़ी प्रोग्राम वगैरह है और पीछे सभी आए हुए हैं मामा लोग, अभी दिखाते हैं। ये है मेरा भाई, इसको तो आप जानती हो, ये है मेरी बड़ी मामी, ये मेरा भाई, ये है मेरी मौसी जी, हाय राधे राधे, और ये है मेरे बीच वाले मामा, ये है मेरे छोटे मामा, ये मेरे से गुस्सा और गए फिलहाल क्योंकि मैं दिल्ली गई थी आपको पता है, और इनके वहाँ नहीं गई तो गुस्सा और गए, और ये मम्मी, ये बड़े दादा सबके, ये झुमड़ा वाला दादा, और ये वाला बीच वाली मामी, भाभी को नहीं लिया यार, और ये हमारी सोमू, ये हमारी मिट्टू, ये मेरी प्यारी सी दीदू, और ये हमारी सबकी प्यारी एकलौती भौजी, इधर देखो अभी तो एकलौती है, अभी तो एकलौती है, अरे ताऊ जी, ताऊ जी के व्लॉग में, ये मेरे टोले मामा, नमस्कार, मेरे तो मामा ही हुए शायद, हाँ ये मेरे ठोले मामा है, सबसे बड़े मामा, दादा नमस्कार, और ये रहे मेरे एक लौते मामा, मतलब एक लौते नहीं सबसे बड़े मामा, तीन 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 चार चार मामा है वैसे तो, और ऊपर काम चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, ये जाने का बना रखा है यहाँ पर से, ये पापा, पापा प्रणाम, खूब नमस्कार, ये मेरे निशा दी के ससुर जी है, और ये मामा है, यहाँ किचन, यहाँ खाना बनेगा, और वो छोटा भाई, वो उससे बड़ा भाई देख सकते हो, यहाँ टेंट बना रखे तंबू, यहाँ रहने की व्यवस्था की गई है, यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको, ये है हमारे लड्डू गोपाल मौसी का बेटा, मौसी इनको कहाँ से लाई हो मौसी, और इनका करती है सब कुछ, सब कुछ करती है, जहाँ जाती है वहाँ लेके जाती है अपने साथ, इनको नहलाना खिलाना पिलाना सब, साल का हो गया ये, अभी दो महीने का होगा, अभी दो महीने का है, खाने में क्या खाता है, कॉफी पानी में कॉफी पीता है, 19 दिसंबर को बर्थडे है इसका, और बर्थडे में सारे लोगों को बुलाऊंगी, 56 भोग लगाऊंगी, तुम्हारे बर्थडे पे नहीं बुलाया, देख सकते हो कितना प्यारे लड्डू गोपाल है, मैं कहता हूँ बहन होगा तुम्हारे साथ भाई, तुम सोते ले बाबू, तो देख सकते हो आप अभी यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है हर्ष द्वारा, हर्षा के फोन द्वारा, और ये लड्डू गोपाल के साथ फोटो शूट चल रहा है, ये रहे लड्डू गोपाल, तो सभी यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं, ये रहे मेरे प्यारे मामा छोटे मामा, ये तो आप देख सकते हो वहाँ पर खाना बन रहा है, वहाँ पर मतलब मामा लोग पापा लोग सभी बुबू लोग खाना, तो यहाँ पर इनके तैयार व्यार होके हमारी लड्डू अब कितनी प्यारी लग रही है, और ये हमारी मिट्टू सब तैयार हो गए, और मौसी अब रील बना रही है, अब मैं रील बनाऊंगी, बोलो क्रीम पाउडर घसने की लेने, ये देखो मेरी मम्मी भी तैयार हो गई है, रील बनाएंगे सर, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पापा जलेबी बना रहे हैं, पापा यहाँ पर जलेबी बना रहे हैं सबके लिए, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादल बोल क्या, तो भाई हमारे फूफा जी ने बनाई जलेबी, बड़ी स्वादिष्ट जलेबी है, बहुत करंची हो रही है, थोड़ा सा रस ज्यादा हो गया पर बढ़िया, अच्छी नहीं हो रही है स्वाद में, बढ़िया थोड़ी सी करंची भी हो जाएगी, ये सोनू जी रिव्यू देंगे, अब सोनू रिव्यू दो, सोनू जी कहाँ है, ये रही सोनू, पता कैसी हो रही है, मस्त करंची करंची जलेबी बहुत टेस्टी है, किसने बनाई है, पापा ने, पापा यहाँ है, तभी अच्छी नहीं हो रही है, हाँ तभी अच्छी नहीं हो रही है, गलत बात, ये जलेबी खाना तुम आप जो आ रही है, ठीक हो गया, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर दीपांशु शर्मा और रोहित जोशी और सुनीता शर्मा और क्या बोलते हैं मिठी शर्मा, इनके द्वारा यहाँ पर आटा गूंथा जा रहा है, अभी तो रोहित शर्मा,
बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जलेबी की मजे लिए जा रहे हैं मम्मी और मामी द्वारा बड़े प्यार के साथ यहाँ पर जलेबी खाई जा रही है। मामी क्या बोलते हैं मजे ले लेके जलेबी खा रही है और मम्मी तो भाई उनके पति देव ने बना रखी है तब तो अच्छे से खा रही है। अरे मामी और यहाँ पर फोटोशूट ये रहे हमारे प्यारे भैया भाभी सबसे पहली भाभी हमारी यहाँ पर है और सबसे बड़े भैया और इस मतलब सबसे बड़े भैया अब इनके बाद है ओ कहाँ क्या जग्गा उसका नंबर है उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हमारे घर में परिवार मतलब कमी नहीं है गाइस मतलब बच्चे ही बच्चे। अरे मेरी मेरी नंबर है बड़े यार सबसे छोटा बोल रहा है मेरा नंबर है क्या करे जाए। ए देखो गाइस वाओ सुनाई लग रही है यही होता है। ओ मामी हाथ रखो सर मैं हाथ आ रहा है क्या। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब काफी मात्रा में और तेरे पापा का वो हो रहा है वो ये रही हमारी मिट्टी अभी हमारे घर में अभी सबसे छोटी हमारी शंभू है। इसके बाद ये है बहनों में सबसे छोटी यही है हमारी हमारी मिट्टी मटकू लाल हमारी सबसे छोटी यही है मतलब। और अब थोड़ी देर में खाना वाला होगा फिर कल से हमारी जागरण स्टार्ट है मतलब हाँ कल से जागरण स्टार्ट है। आज अम्मा का बासी सराद है और कल से हमारी जागरण स्टार्ट हो जाएगी तभी घर में सभी लोग आ गए मतलब सभी आ गए परिवार के तो आपको दिखाऊंगी जागरी वागरी भी सब कुछ। और अभी तो आप मजे लो काफी टाइम बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है अभी कह रहा हूँ मैं बीच बीच में गायब हो जाती है गाइस मुझे टाइम नहीं मिलता है इस वजह से मैं बना नहीं पाती ब्लॉग कोई भी बात नहीं कभी कभार तो मिल ही जाता है दिक्कत कहाँ आ रही है जुड़े रहिए आप मेरे साथ। यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है तो पूरे आप मोबाइल का मत करना आवाज मत करना किसी गाने फिर यहाँ पे करते हैं यार संख्या घनित्व बढ़ते जा रहा है अधिक मात्रा में लोग आते जा रहे हैं। नीरू छत से मजे ले रहे हैं जो भी आ रहा है हम यहीं से दूर से प्रणाम प्रणाम करते रहे नीचे जाके फॉलो मेडी करनी हमें नहीं आती इधर आ जा। इधर रोटी बनने लग गई मामा हाय बोलो तो दोस्तों हमने सुबह से खाना नहीं खाया था खाने की वजह से हमारी सबकी हालत खराब थी और अब भागे भागे जा रहे हैं क्योंकि खाना मिल रहा है फाइनली खाना मिल रहा है एक बजे एक डेढ़ बजे है और हमें खाना अब मिल रहा है और सुबह से हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी खाना कब देंगे करके तो भाई सब खाना मिल रहा है फाइनली सभी लोग आ गए हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब सभी को खाना मिल रहा है और ये पहला घाण है जो खाना खाने के लिए बैठ चुका है और हम भी बैठ चुके हैं क्यों बैठ। तो ये रहा घर का पहाड़ी खाना और सभी ने खाना स्टार्ट हो गया। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और आधे लोग खाना खा रहे हैं और खाना खा के हमें बहुत आसान आ चुका है बहुत थके हैं अब थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे और कल है हमारी जागरी आपको जागरी दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और काफ़ी टाइम बाद मेरा ब्लॉग आया अब भी बोलोगे पता नहीं कहाँ रह जाती है कभी कभी सपने जैसा आते हैं इसको ब्लॉग बनाने के गाइस टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से और कल से हमारी जागर स्टार्ट है देखो कितने दिन की जागर होती है अभी कुछ पता नहीं है तो मिलते हैं गाइस कल के ब्लॉग में ओके बाय बाय जय राम जी की।